उम्र 70 साल, लेकिन चुस्ती और फुर्ती ऐसी कि नौजवान हो। जी हाँ, हम बात कर रही हैं मंडी जिला के उपमंडल सुंदर नगर के निवासी 70 वर्षीय पूर्व सैनिक परमा राम चौधरी की, जो आज के दौर में लोगों के लिए प्रेरणा मात्र बने हुए हैं। बता दें कि परमा राम चौधरी न केवल अपनी किडनी दान कर चुके हैं, बल्कि अपनी देह को भी दान कर दिया है। वहीं उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वह कर्म क्रिया की मिथ्या से बाहर निकलकर मरने के बाद किसी के काम आएं और अपने अंग दान करें। अपनी एक किडनी डोनेट कर दी है सर जी, और बॉडी भी डोनेट कर दी है। नीरचौक मेडिकल कॉलेज में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जब मैंने बॉडी डोनेट करनी थी तो इसके लिए क्या था, IGMC शिमला ही था और दूसरा PGI में था, क्योंकि जो बहुत दूर पड़ता है मैं कर नहीं पाता है। मेरा सौभाग्य कि नीरचौक मेडिकल कॉलेज खुला और यहाँ मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए। एक हमारा मिथ्या है सर कि मरने के बाद कर्म क्रिया की जाती है आदमी की, बड़ा भारी खर्च किया जाता है। मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूँ। क्यों? मर जब आदमी खत्म हो गया है तो उसके बाद उसको राख बन जाती है, कुछ भी नहीं रहता, तो किसी काम नहीं आता। तो मेरा विचार में यह है, फौज में सर्विस की है सर जी, कि क्यों नहीं मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से पुर्जे किसी दूसरे के काम आए। अगर काम भी नहीं आए तो जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए एज ए प्रैक्टिकल मेरी जो बॉडी है प्रैक्टिकल कर करके बच्चे सीखेंगे, आगे पब्लिक की सेवा करेंगे, मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। इसलिए मैंने अपनी बॉडी डोनेट की है, वसीयत लिख दी गई है, बच्चे को बता दिया गया है अगर मेरे मरने के बाद कोई कर्म क्रिया की, मेरे जो मैंने उसको बताया है कि कोई दिया बाछी लेना देना जो भी हमारे होते हैं हिंदू कर्म धर्म, कुछ भी नहीं करना है, और वसीयत लिख दी गई है सर, उनको पढ़ा दी गई है कि इस मिथ्या को मैंने तोड़ना है। जो मेरे साथ होगा मैं खुद जिम्मेदारा अपने बारे में, कोई भी ये फिक्र मत करना, ये मेरी आखिरी चॉइस है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा करना है आपने। कुछ इस तरह का हौसला और सोच के साथ ही आज पूर्व सैनिक परमाराम चौधरी मंडी जिला में आयोजित हुई दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। वहीं आज भी चुस्त दुरुस्त परमाराम चौधरी ने न केवल मैराथन में हिस्सा लिया, बल्कि अपनी आयु वर्ग की दौड़ में जीत भी हासिल की और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। आज यहाँ मैराथन ये जो थीम जिसका रखा हुआ ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश, पिछले साल भी दौड़ी थी, इस साल हाँ जी मंडी में दौड़ी और अपने एज ग्रुप में मैं प्रथम आया हूँ। ठीक सर, और मैं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर अवार्डी हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार प्राइज लिया उन्होंने, और मेरी एज 70 साल मेरी उम्र है। और मेरा बच्चों को ये संदेश है कि बच्चे अब माँ बाप बड़ा खर्च करें बच्चों के लिए, ये पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लें, अच्छी पोस्टों पर पहुँचे। और सर मैंने अपनी किडनी डोनेट कर दी है, देख सकते हैं आप कि जिन्हें और लाइफ हूँ, मैंने अपनी बॉडी भी डोनेट कर दी है सर। क्यों? कि मेरे फौज में सर्विस की है सर, 1971 में भर्ती हो गया था मैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के मुताबिक अपना जो जीवन है ये हमारा पब्लिक के लिए है। आज के इस मतलबी युग में सगे भी काम नहीं आते, परायों का भला करने की तो कोई सोचता तक नहीं, लेकिन परमाराम चौधरी ने अपनी एक किडनी बिहार के निवासी को बिना किसी स्वार्थ के दे दी है। लेकिन एक किडनी निकल जाने के बावजूद भी वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है। वे जैसे पहले कार्य करते थे आज भी उसी तरह से काम करते हैं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वे शरीर को जलाने से अच्छा अपने अंग दान करें ताकि किसी का भला हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।